देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर खटीमा उधम सिंह नगर से है। वर्तमान समय में एक तरफ जहां सीमांत खटीमा इलाका कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा, वहीं अब जापानी बुखार इंसेफ्लाइटिस ने भी सीमांत इलाके में अपनी दस्तक दे दी है। खटीमा के बलुआ बगुलिया ग्राम सिसैया गांव की दो बच्चों ने हल्द्वानी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों ही बच्चियां जापानी बुखार इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित थी। दोनों बच्चियां जहां सगी बहनें थी, वहीं उनकी मौत से उनके परिवार में शोक की लहर है। आप देख रहे हैं खटीमा से मोहम्मद उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। कल जो हमें सूचना पे हमारे विभाग की टीम गई थी, वहाँ पूरा सर्वे किया गया। उन बच्चों के जो टीकाकरण कार्ड है उसमें उनके बिहार में सब टीके लगे हैं, उसमें जेनरल इंसेफ्लाइटिस नहीं लगी है। वो अभी 2 साल पहले यहाँ आए थे, पहले रुद्रपुर रहते थे और अभी 6 महीने से वो यहाँ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चों का टीकाकरण जो टीका लगता है वो बच्चों के अपनी उम्र में 9 माह और 12 माह की उम्र में लग जाता है। ये हमारा शेड्यूल इमिनाइजेशन का है। और अभी हमने जो है इस तरह की घटना हुई तो उसके लिए हमने ये किया कि वहाँ पूरा हाउस टू हाउस पूरे ब्लॉक में सर्वे करा रहे हैं। जो बच्चे हमारे 1.5 साल तक के हैं उनका पूरा इमिग्रेशन स्टेटस देख रहे हैं कि कोई बच्चा हमारा छूटा तो नहीं है जेई का। दूसरी चीज़ हम ये करा रहे हैं कि जो 1 साल से 15 साल के बच्चे हैं उनका सबका हम जेई का स्टेटस देख रहे हैं जेनरल इंसेफ्लाइटिस के लिए, और ये देख रहे हैं कि वो बच्चे कहीं माइग्रेट होकर आए हैं, बाहर से आए हैं और कहीं वहाँ उनको टीके ना लगे हों, तो हम उनकी सूची तैयार कर रहे हैं जिससे कि हम जल्द से जल्द उनका पूरा मास में कैंपिंग लगा के हम उनका जेनरल इंसेफ्लाइटिस का टीकाकरण पूरा करें। है कि एक ही परिवार के 2 जो है सगी बहनों की मौत हुई है। काफ़ी गरीब परिवार है, इसलिए जो है काफ़ी अभावग्रस्त भी था। इन्हें जो है समय पे जो है हॉस्पिटल ले जाने के बाद यहाँ के हॉस्पिटल ने जो है सुजला तिवाड़ी के लिए रेफर तो कर दिया था, लेकिन वहाँ जो है सही तरह से व्यवस्थित इलाज न मिलने के कारण एवं जो है पैसों के अभाव के कारण जो है बच्चियों ने थोड़ी इलाज में लापरवाही के कारण शायद लगता है कि दम तोड़ा है। इसके लिए उनके घर परिवार में भी काफ़ी आक्रोश टाइप का है कि जो है हमें सही तरह से जो है व्यवस्था वहाँ पे नहीं दी गई। और उनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जो एम्बुलेंस वहाँ से छोड़ने के लिए आई थी वो भी जो है पेमेंट लेके ही जो है गई है। दोनों दो बार जो है